हाँ प्रणाम, बिल्कुल सही कह रहे हो रानी गायत्री। तो अब जो हमारी अगली चाल होगी वो क्या होगी? हमारे पहले हमले के बाद रागेश्वरी और उसके साथी दोनों का भरोसा हिल गया है, और हमारे दूसरे हमले के बाद दोनों के भरोसे में दरार आ गई है। अब दोनों में से एक कोई ना कोई गलती तो जरूर करेगा। तुम रागेश्वरी पर नजर रखो और मैं राणा जी का भरोसा जीतने की कोशिश करूंगी। मैंने उनके मन में सवाल तो पैदा कर दिया है, अब उन सवाल के जवाब ढूंढने के लिए भी मैं उन्हें मजबूर कर दूंगी। नए जवाब आएंगे तो गायत्री की बेगुनाही पर लगे पुराने सवाल भी मिट जाएंगे। मुझे राणा जी को उनके दिल की आवाज सुनानी है, पर लाखन उसके लिए मुझे उनके साथ अकेले वक्त गुजारना होगा। अकेले कैसे? एक रास्ता है। उस रागेश्वरी के तेवर बदल गए हैं और हमें यकीन है कि उसने अपने आप पर हमला खुद करवाया ताकि हमदर्दी पाकर राणा जी के और नजदीक पहुंच सके। एक ही तीर में उनके कमरे तक पहुंच गई, एक दो तीर और चल गए तो जाने कहां कहां तक पहुंच जाएगी। रागेश्वरी की कोख में अगर राणा जी का अंश पल गया तो राणा जी के बाद अमीर कोट की गद्दी का कानूनी वारिस वो बच्चा होगा, आप नहीं। बड़ी रानी माँ, अगर ऐसा हो गया हम तो भिखारी बन जाएंगे। कुंवर जी देखिए, सारी भीख ना आपको ही मांगनी होगी, क्योंकि हम तो शक्ल से ही अमीर लगते हैं, हमें तो कोई भीख नहीं देगा ना। रागेश्वरी हमें धोखा नहीं दे सकती, हम भी जाकर उनकी खबर लेते हैं। वो हमारी बिल्ली है और उसके गले में घंटी भी हम ही बांधेंगे, आप उसे कुछ नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि जब तक ये सब हमारे नाम नहीं हो जाता, हमें उस रागेश्वरी नाम की मुसीबत को बर्दाश्त करना ही पड़ेगा। सिंह बोलो, जिस दिन के लिए तुम्हें हमने यहाँ रखा था वो दिन आ गया है। महल में हमारे खिलाफ साजिशें रची जा रही हैं, हमारी जान को खतरा है। हम जानते हैं ये साजिश बड़ी रानी माँ रच रही हैं। तुम्हें साए की तरह बड़ी रानी माँ का पीछा करना है और ये पता करना है कि बड़ी रानी माँ कुंवर जी और कोकिला की तिकड़ी हमारे पेट पीछे क्या खिचड़ी पका रही है। काम हो जाएगा। मैं अपना वादा निभा रही हूँ, माखन स्वर्णा के पास नहीं जाएगा। अब आपको भी मेरा एक काम करना होगा, घर वालों को महल से बाहर भेजिए। मैं राणा जी के साथ अकेले में कुछ वक्त गुजारना चाहती हूँ। आप जानती कि आप हमें कितना बड़ा काम सौंप रहे हैं? कीमत भी तो बड़ी दे रहे हैं। आपके वापस आने तक माखन जा चुका होगा। अगर ऐसी बात है तो आप जैसा चाहेंगी वैसा ही होगा। कल हम सभी महल वालों को महल से बाहर भेज देंगे। अच्छा जी,